राधे राधे दोस्तों, ये हम लेके आए हैं रोज़ क्वार्ट्ज के ऊपर एक वीडियो। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल उन्होंने अलग अलग प्रकार से क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स या अन्य फॉर्म में उन्होंने परचेज़ किया, लेकिन उनको सही स्टोन मिला या नहीं मिला उनको डाउट है। और काफ़ी लोगों ने तो कमेंट भी किया हो कि उनको नकली स्टोन ही मिला है, तो वो जज कैसे करे। तो ये रफ़ फॉर्म में कुछ इस प्रकार से आता है। इसमें काफ़ी क्वालिटीज आती हैं, ये अच्छी क्वालिटी वाला है। कम क्वालिटी से मतलब क्या है कि जो पिंकिश शेड है वो काफ़ी इसमें हल्की होगी, जो सस्ते वाले होते हैं इसमें बहुत अच्छी पिंकिश शेड है, पर ये वीडियो में उतना नहीं आ रहा क्योंकि लाइट ज़्यादा है। मैं लाइट को बंद करके देखता हूँ, कुछ फ़र्क आए मे भी, ये थोड़ा सा कुछ बेहतर कलर आया है। तो ये इस प्रकार का ये स्टोन है। ज़्यादातर आप स्टोन देखेंगे तो ये पिरामिड जो है वो भी इसी तरह के इसमें बना हुआ है, बल्कि इससे थोड़े लाइट में बना हुआ है, मगर ये है रोज़ क्वार्ट्ज ही असली। अब हम बात करते हैं कि जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमने ऑनलाइन से कुछ ब्रेसलेट्स परचेज़ किए थे, तो ये हम उस आपको दिखाने के लिए हमने ये परचेज़ किए थे। ये देखिए, ये रोज़ क्वार्ट्ज है। हमें उसका कलर देखने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और यहाँ देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क दिख रहा है। ये रोज़ क्वार्ट्ज नहीं है, ये डाई का बनाया हुआ कलर है ये, और ये जो है ये फेक रोज़ क्वार्ट्ज है। और सिर्फ रोज़ क्वार्ट्ज ही नहीं, इसमें जो अन्य और बीड्स लगे हैं ये ज़्यादातर सभी जो हैं इसमें फेक ही हैं। ये ब्लैक टूरमलिन, हम आपको ब्लैक टूरमलिन दिखाएंगे कैसा होता है, ये ब्लैक टूरमलिन नहीं है। ये लैरीमार है, लैरीमार ऐसा नहीं होता। ये टर्क्यूइज है, टर्क्यूइज भी ऐसा नहीं होता, ये फेक है। ग्रीन जेड थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखता है, मगर ये बिल्कुल ही प्लेन है, ऐसा नहीं होता। सिट्रीन भी हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था शायद, ये सिट्रीन ऐसा नहीं होता। और एक कार्निलियन है, बिल्कुल ही प्लेन है, ऐसा कार्निलियन नहीं होता। ये रेड जस्पर, रेड जस्पर तो कहीं से भी नहीं है, रेड जस्पर इस तरह से नहीं होता। तो ये ज़्यादातर जो ऑनलाइन कम रेंज में कम रेट में आपको ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं वो ज़्यादातर सभी ऐसे ही मिल रहे हैं। तो आप कम सस्ते के चक्कर में गलत चीज़ ख़रीदें, इससे अच्छा आप उसको ना ही ख़रीदें। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। ये एक अन्य ब्रेसलेट है, ये हमने कहीं से लिया था। इसमें जो रोज़ क्वार्ट्ज है वो ठीक है, थोड़ा उससे बेहतर है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ये जो है ये रोज़ क्वार्ट्ज थोड़ा सही क्वालिटी का है। पर ये रोज़ क्वार्ट्ज जो है सिर्फ कलर की ही बात नहीं है, ये रोज़ क्वार्ट्ज थोड़ा और बेहतर है। इसकी फिनिशिंग कटिंग ये भी अच्छी है, ये वाइट लग रहा है मगर ये वाइट नहीं है, ये रोज़ क्वार्ट्ज बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही एक और रोज़ क्वार्ट्ज का ये ब्रेसलेट है, ये भी पिंकिश शेड में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये डायमंड कट में बोलते हैं इसको, डायमंड कट में आता है ये भी रोज़ क्वार्ट्स है, और ये ठीक है। फिर कुछ पेंडेंट्स और कुछ टंबल की फॉर्म में भी रोज़ क्वार्ट्स आपको मिल जाएगा। कई बार उसकी शेड इतनी हल्की होती है कि आपके लिए जज करवाना मुश्किल है कि रोज़ क्वार्ट्स है या क्लियर क्वार्ट्स है। पर क्लियर क्वार्ट्स जो टंबल के फॉर्म में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आते हैं। तो ये जो है पिंक है, लेकिन ये लाइट में पिंक नहीं आ पा रहा है। ये इसके कुछ पेंडेंट्स हैं, अगर आप देखोगे तो कहीं से डार्क है, कहीं से ये लाइट है, ट्रांसपेरेंट है, कहीं से नहीं है। तो इस तरह से आप स्टोन को पहचान सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टोन्स को तो आप देखते ही पहचान सकते हैं ये तो फेक ही है। लेकिन जो रियल स्टोन होते हैं वो इस तरह के होते हैं, कैसे भी कहीं से भी इंक्लूजन ज़्यादा होगा, कहीं से कम होगा। आप देखो, अभी ब्रेसलेट हम देख, ये पिरामिड हम देखते हैं, इस पिरामिड को आप ध्यान से देखोगे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ये देखो आप, कहीं से इसका इंक्लूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखें आप साइड से, ये देखिए, ये नेचुरली ऐसा स्टोन है। ये जो आपको लग रहा है ना सीमेंट जैसा लगा हुआ, ये नेचुरली चट्टान जिससे निकला है ये, वहाँ से ये उसी फॉर्म में था, उससे कट करके बना दिया गया है। मगर ये जुका तू ऐसा का एज इट इज़, ये अब कोई इसको कहे ख़राब है ये ऐसा नहीं है, डैमेज नहीं है, ये प्योर ओरिजिनल है, ऐसा ही होता है ये। तो ये ओरिजिनल जो होते हैं वो इतने सुंदर ज़रूरी नहीं मिले आपको, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल स्टोन होता है वो उसकी जो शेप है, जो अंदर का जो इंक्लूजन्स है वो वेरी करता है। आप देखेंगे कि कहीं से इसका इंक्लूजन ज़्यादा है और कहीं से इसका इंक्लूजन जो है वो काफ़ी कम है, लाइन्स भी हैं, ऐसा लग रहा है अंदर जाके, अंदर जाने पर इसमें देखें तो कि कहीं से किस तरह की इसकी शेप है। इनर शेप भी आपको, इसको इनर स्ट्रक्चर भी आपको थोड़ा थोड़ा इसमें नज़र आ रहा होगा। तो जो रियल पिरामिड होंगे या रियल क्रिस्टल होगा वो अंदर से
कैसा भी होगा, देखो ये टूट गया था कुछ हमसे, हमने मंगाया था ये टूट गया था, काफ़ी कच्चा होता है रोज़ क्वार्ट्स, तो ये भी आप देखोगे तो आपको अंदर इसमें अलग अलग इंक्लूजन्स नज़र आएंगे। ये देखिए अंदर से थोड़ा सा ये भी ऐसा है, ये ख़राब नहीं है, अगर मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है, मगर ये अंदर से ऐसा है। एक ये बहुत ही प्यारा शिवलिंग है, ये भी रोज़ क्वार्ट्स का शिवलिंग है। अब इसको भी आप देखें तो आपको दिख रहा है कि अंदर का इनर स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो ये रियल क्रिस्टल की पहचान होती है, वो कभी भी एक जैसी फॉर्म में एक जैसे कलर में नहीं होगा, और ज़रूरी सुंदर भी होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे सुंदर होंगे। तो ये तो हमें देखते ही पहचान जाना चाहिए, इतने तड़कते भड़कते कलर में अगर हमें कुछ नज़र आ रहा है क्रिस्टल, तो ये ज़्यादातर क्रिस्टल ऐसे वाले और काफ़ी कम रेंज में मिलते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है समझने की कि हाँ ये काफ़ी कम रेंज में मिल रहे हैं तो ये रियल नहीं होंगे, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उम्मीद करता हूँ रोज़ क्वार्ट्स पे बनाई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको उससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।